या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 733। चंगोंबे दर सलाम 12th of March 1982। यारा शाहजादी दारी सेवक जुगा जुग जस मोमन के जिनी लदरोई भेद यार नूर शाह जो गतियन में वरसियो वर्षो जल थल ल जल थल मैयारो। मौलाना हजर इमाम के सलवात पढ़ो दिनदार शोगड़िए का ये पाठ शाहजादी दारी सेवक जुगा जुग जस मोमने के जिनी लगड़ोई है जिस तरह से इस दुनिया के अंदर इमाम का नूर हाजिर मौजूद है और हर जमाने के अंदर हाजिर मौजूद है, जब तक ये दुनिया है इमाम का नूर मौजूद है। जाहिर के अंदर पीरी और इमामत हमारे अंदर बैठे हैं, इसी तरह से हर जमाने के अंदर, हर जमाने के अंदर और लगभग हर जमात के अंदर मौला की सेवा करने वाले लोग होते हैं। जहां मौला है उसके आजू बाजू के अंदर उसके सेवक गुलाम रहते हैं। जमाने के हिसाब से इमाम जैसे रमत करता है, उस रमत के हिसाब से कभी जमात छोटी होती है, कभी जमात बड़ी होती है। मौला अली के जमाने के अंदर मोमन बहुत थोड़े थे, आज मौला की रहमत से मौला के मोमन बहुत हैं। 2.5 करोड़ जितने इस्माइली दुनिया के अंदर हैं, अली मौला के जमाने के अंदर 2,500 भी नहीं थे। मौला अली की जो इमामत थी उसके अंदर सच्चे मोमन 2,500 भी नहीं थे। मौला के मानने वालों में हजारों आदमी थे, लाखों आदमी थे। सिफीन की लड़ाई में मौला अली के साथ 80,000 आदमी थे, लेकिन वो सब 80,000 आदमी मौला की ओर खान पहचान नहीं करते थे। इसलिए सिफीन की लड़ाई में मौला के लश्कर के अंदर बढ़वा हो गया और कुछ लोगों ने सामना किया। जिन्होंने सामना किया वो लोग मौला की इमामत से जुदा हो गए। जब इंसान की अंदर की आंखें अंधी हो जाती हैं, जब वो लोग ये समझने लग जाते हैं कि मौला की इमामत हमारी वजह से चलती है, जब लोगों को ये ख्याल होता है कि मौला का काम काज हम करते हैं, हम ना होवे तो मौला का काम कौन करे, जब ये ख्याल इंसान के दिल में आता है ना, तो उसके अंदर शैतान पैदा होता है। सिफीन की लड़ाई के अंदर ऐसा ही हुआ। वहां ऐसे लोग थे जो ये समझते थे कि अगर हम मौला की मदद नहीं करेंगे तो मौला लड़ नहीं सकते। इस वजह से जब ऐन वक्त आया ईमान की पारखा का तो उन लोगों का ईमान खत्म हो गया। कारण के उनका ईमान अच्छा नहीं था। मौला के लश्कर में मुआविया के विरुद्ध में लड़ने के लिए आए थे, मौला की इमामत को नहीं मानते थे मगर खिलाफत को मानते थे। और ये वो लोग थे कि जिन्होंने मौला के ऊपर जोर दिया कि मुआविया के साथ सुलह कर लो और ये मामले को लवाद में ले जाओ।
ये वो लोग थे जिनको बाद में हमने नाम दिया खारजिया। खारजिया कहते हैं निकल गए हुए, ये लोग खारिज हो गए, इमाम के दुश्मन बन गए, इमाम के मुरीद थे। और इन्होंने इतना फुतूर मचाया कि लगभग 200, 250, 300 बरस तक इन्होंने इस्लाम के अंदर बड़े खून खराबे किए। इन खारजियों को मौला अली ने साफ कर दिया, मगर 9 जने बच गए और भाग गए। मैं आपको यह हिस्ट्री इसलिए बयान कर रहा हूं कि जिस तरह मौला के साथ साथ उसके सेवक हैं जिंदारों, इस तरह मौला के साथ साथ गणित कालिंगा भी है, शैतान भी है। आदम को बनाने से पहले मौला ने शैतान खड़ा किया, मगर शैतान का पता कभी लगा? जब आदम की हुकूमत का हुक्म हुआ कि अब तुम इसको सजदा करो, उस वक्त उसके अंदर जो छुपा हुआ शैतान था अजाजील के अंदर, वो बाहर निकल आया, कहता या मौला मैं आग में से पैदा हुआ हूँ, ये मिट्टी का पैदा हुआ, मेरे से हल्का है, मेरे से छोटा है। ये जो छोटा और बड़ापन जब इंसान को भुला देता है, तकब्बुर आता है, तो इंसान हकीकत में से निकल के कुएं में गिर जाता है, खड्डे में पड़ जाता है। छोटाई बड़ाई, मैं बड़ा, मेरी बड़ाई का क्यों जिक्र नहीं किया गया, मेरी बड़ाई का मान क्यों नहीं किया गया, ये बातें जब इंसान के मजहब और ईमान में आती हैं, खलल पैदा होता है। हमको हजरत इमाम ने बार बार फरमान करके फरमाया कि तुम अपने मजहब की हिस्ट्री पढ़ो तो तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा मजहब क्या है। रसूलुल्लाह का जमाना था, मैं आपको छोटी बड़ी खतलत का जिक्र करूं, नबी साहब का जमाना था, रसूलुल्लाह का एक बहुत मानीता चाहीता गुलाम था जिसको नबी ने आजाद कर दिया, और फिर उसके बेटे को नबी ने दत्तक ले लिया। हारिस नाम का गुलाम था, हारिस का बेटा जैद था। जैद को छोटी उम्र से नबी बहुत प्यार करते थे, हारिस को फ्री कर दिया, जैद को अपने बेटे के तौर पे अपने घर पे रखा। जैद को एक दफा रसूलुल्लाह ने एक मिशन पर भेजा, और उस मिशन के ऊपर लोगों ने उसको मार डाला। नबी साहब को बहुत दुख हुआ। वहां उस जमाने के अंदर यहूदियों का बड़ा जोर था, बाइजेंटियन एम्पायर थी, क्रिश्चियन लोगों का भी जोर था, लेकिन ये जो बाइजेंटियन थे वो न तो क्रिश्चियन थे न यहूदी थे, रोमन्स थे जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं। जब उसके मरने की खबर इधर आई, नबी को बहुत दुख हुआ, और कुछ मुद्दत के बाद जब नबी ने सामान जमा कर लिया, हथियार वगैरह इकट्ठे हुए, एक लश्कर भी तैयार किया, तो जैद का छोटा लड़का 17 साल का, 17 ईयर्स टीन एजर, उसको इस लश्कर का सरदार बनाया, कमांडर इन चीफ बनाया। और देखो दीनदारों कि हजरत अबू बकर जैसे आदमी जो नबी के राइट हैंड आदमी थे और पहले खलीफा बने, हजरत उमर जो दूसरे खलीफा बने और नहायत ही चालाक और क्लेवर आदमी था, हजरत उस्मान जो तीसरे खलीफा बने, अब्दुल रहमान इब्ने औफ, ऐसे बड़े बड़े जो नबी के राइट हैंड मैन, टॉप ग्रेड के जो सुहाबा थे, उन सब को ये 17 साल के छोकरे के हाथ के नीचे रखा, और उसके ऊपर इन बुड्ढों के ऊपर कोई 50 साल का, कोई 55 साल का, और उस वक्त अबू बकर की उम्र लगभग 70 बरस की थी,
इन तमाम बुद्धों को, नबी के राइट हैंड मैन को, नबी ने इस 70 बरस के छोकरे के नीचे रख के ये 70 बरस के लड़के को ऑफिसर बनाया। हमारे मजहब की हिस्ट्री में बहुत सी चीजें हैं जो हमें पता नहीं, और उसके अंदर समझने की क्या चीज है हमको खबर नहीं। जब डिक्लेयर किया और तलवार निकाल के उसामा को दी, तो ये तमाम सुहाबियों ने अंदर अंदर चू चू करनी शुरू की कि इस छोकरे को हमारा सरदार बनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है असहाबो, मैं जो करता हूँ वो अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, और जो कुछ भी मैंने किया है उसके अंदर जरूर कोई हिकमत और भेद है, जाओ इसके साथ। उसामा का लश्कर तैयार हुआ। ये लोग यूं तो दम न मार सके, लश्कर को रसूलुल्लाह ने भेजा। उस वक्त नबी की तंदुरुस्ती ठीक नहीं थी। नबी की वफात से 3 दिन पहले का ये जिक्र करता हूं। उसामा के लश्कर को विदा करने के लिए बीमारी की हालत में भी नबी अपना घर छोड़ के मदीने के गांव के बाहर तक उसको विदा करने के लिए आए और फरमाया, आए उसामा, जाओ और अपने बाप का बदला लो, इतना ही नहीं इस्लाम का चर्चा पैदा करो, और तुम उधर पहुंचो, इतनी फास्ट, इतनी तेज रफ्तारी से जाना, ऐसी स्पीड में जाना कि तुम्हारी खबर पहुंचे उसके पहले तुम पहुंचना, जाओ खुदा तुम्हारा हाफिज है। लश्कर निकला, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये सब असहाब उनके साथ है। 3 मील के ऊपर जाके इन्होंने पड़ाव डाला। असहाबों ने, उसामा लड़का था ना 17 साल का, अनुभव कुछ था नहीं, हजरत उमर ने उसामा को कहा, तुम हमारे ऑफिसर हो, हम तुम्हारे सबॉर्डिनेट हैं, तुमको सैल्यूट करते हैं, लेकिन तुम हमारा कोई मशवरा भी तो सुनोगे कि नहीं? कहता, क्यों नहीं, तुम्हें खबर है रसूलुल्लाह की तबीयत ठीक नहीं, और कभी नबी को कुछ हो गया तो ऐसी हालत में हम उधर लड़ने जाएंगे, आधे दिल इधर आधे उधर। उसामा बेचारा 17 साल का लड़का उसकी बातों में आ गया। लश्कर को हुक्म किया, इधर पड़ाव डालो। लश्कर ठहर गया। शाम को तंबू लगाए, लोगों ने नमाजें पढ़ी, खाना खाया, सो गए। और ये जो बड़े बड़े असहाब थे, इसमें खसूसन 3 ऊपर के, ये रात को ही चले आए अपने घरों के अंदर। असल हकीकत कुछ और थी जो मैं आज इस वाइस के अंदर नहीं कह सकता। ये बड़ी जबरदस्त चालें थी। मैं तो सिर्फ एक ये दाखला, ये मिसाल इसलिए देता था ये बताने के लिए कि नबी के जमाने के अंदर और उससे पहले भी नबियों के जमाने के अंदर ऐसा बहुत दफा हुआ है कि छोटे सेवकों को बड़ी उम्र के सेवकों के ऊपर रखा गया। क्यों? उम्र छोटी है, लेकिन क्या पता उसका आत्मा कितना बड़ा है। गुरपीर सदरदीन, गुरु ब्रह्मा, जौमे का पीर, 100 बरस की उम्र में पीरी जौमा मिला फिर सदरदीन को। बुढ़ी उम्र में 100 बरस तक फिर सदरदीन के पास पीरी जोत नहीं थी। 100 बरस की उम्र में जब बाप गुजर गए तो मौलाना इमाम इस्लाम शाह ने फिर सदरदीन को पीरी जौमा दिया। बड़े आलिम थे, बड़े बुजुर्ग थे, बड़े आबिद थे। फिर हसन कबीरद्दीन छोटे थे, 5-6 बरस के, और पिता जब जाने लगे ईरान तो फिर हसन कबीरद्दीन ने बाप के पांव पकड़ लिए, अब्बा मुझको भी साथ ले जाओ। अभी ख्याल करो दीनदारो, मुल्तान से नक्शा सामने रख के आप देखो कि मुल्तान से बलोचिस्तान जाना है, बलोचिस्तान को क्रॉस करके ईरान जाना है। ये सारा इलाका थोड़ा सा डेजर्ट है, मुल्तान से निकलो तो ये सिंध का डेजर्ट है। बलोचिस्तान शुरू होता है तो बड़े बड़े ड्राई पहाड़,
उन पहाड़ों के ऊपर घास बिल्कुल नहीं, झाड़ भी नहीं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ हैं। इधर सिंध का डेजर्ट है, रण है। बलूचिस्तान में पहाड़ हैं तो उनके ऊपर घास भी नहीं है। हाँ, इसको क्रॉस करके जब ईरान में दाखिल होते हैं तो फिर वहाँ ग्रीन रंग के पहाड़ मिलते हैं, ठंडी पवन होती है, बर्फ पड़ती है। तो आप ये विचार करो कि ऐसा मुश्किल रास्ता, उस जमाने के अंदर पांव से चलना पड़ता था। तो फिर सदरुद्दीन ने तिरसन कबीर दीन को कहा, बेटे तुम छोटे हो, 6 बरस के बेटे को बाप ने कभी कहा कि तुम छोटे हो तो उसमें कोई गुनाह नहीं, और वो हकीकत में छोटे थे। लेकिन गुरपीर सदरुद्दीन ने पीर हसन कबीर दीन के शरीर की तरफ निगाह की, मगर पीर हसन कबीर दीन का जो आत्मा था उसको भूल गए। इसकी पादाश में क्या हुआ कि सदरुद्दीन को दीदार बंद हो गया। कि सदरुद्दीन इबादत में जो रोज दीदार करते थे वो दीदार बंद हो गया। तूने पीर हसन कबीर दीन की शरीर की हालत को ख्याल में रखा और उसकी रूहानियत को भूल गया। इमाम को ये चीज ना पसंद आई। फिर हसन कबीर दीन को छोटा कहने पे, छोटा नहीं था, फिर हसन कबीर दीन का आत्मा फिर सदरुद्दीन की आत्मा से बड़ा था। फिर हसन कबीर दीन की इबादत फिर सदरुद्दीन से ज्यादा थी। ये चीज गुरपीर सदरुद्दीन जानते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ दुनिया का ही काट ख्याल किया और रूहानियत को जो भूल गए। तो इमाम की नाराजगी हुई, अपना दीदार स्टॉप कर दिया। मैंने ये बातें आपके सामने इसलिए की हैं कि मुखी से लेके प्रेसिडेंट से लेके जमात भाई तक उसके अंदर सब आ गए, मिशनरी आ गए, भगत आ गए, वॉलंटियर आ गए, साधु संत सब आ गए। हम में कोई भी आदमी बड़ा नहीं है, हम सब इमाम के गुलाम हैं, हम सब इमाम के नौकर हैं, हम सब इमाम के बच्चे हैं, मुरीद हैं। हमारे अंदर कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा हूं। अगर कोई मेजर है कोर का तो वो अपनी ड्यूटी के हिसाब में ड्यूटी बजा ले, लेकिन उसको मेजर को ये फख्र नहीं होना चाहिए कि मेरा हर हुक्म मानना ही चाहिए। और जो छोटे हैं उनके ऊपर ये फर्ज है कि उनको ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए कि मेरी मर्जी आएगी तो मैं करूंगा, ये भी नहीं होना चाहिए। बड़े को छोटे का ख्याल रखना चाहिए, छोटे को बड़े का ख्याल रखना चाहिए। छोटे का फर्ज है कि बड़े की इज्जत करे, बड़े का फर्ज है कि छोटे के ऊपर मेहरबानी रखे, क्योंकि हम सब मौला के सेवक हैं। इमाम को काम करने वाले सेवकों की जरूरत है हर जमाने में, हर जमाने में। क्योंकि अगर इमाम के आजू बाजू में सेवा करने वाले नहीं होंगे तो इमाम काम कैसे करेगा? इमाम को नौकर तो चाहिए, लड़ने के लिए लश्कर भी चाहिए, जमात की सेवा करने के लिए आदमी भी चाहिए। हमारा इस्माइली मजहब खूबियों से, अच्छाइयों से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। दुनिया के मजहबों के अंदर आप कभी ख्याल करो तो अपने इस्माइली मजहब की खूबियां यदि हमें पता लगता है तो दिल खुश होता है। इन खूबियों में एक खूबी ये है हमारी कि हम लोग अपना वक्त, अपना पैसा, अपना तन बदन सब कुछ इमाम के सेवा में लगा देते हैं। हमें कोई लालच नहीं, मजबूरी है उसके लिए। जिसको और कोई रास्ता नहीं है कमाने का, यानी एक ऐसा आदमी से जो 24 घंटे ईमान की सेवा में है, जैसा कि एक जमात भाई है, उस बेचारे को सुबह शाम जमात होने का ध्यान रखना ही चाहिए। कभी वो ध्यान नहीं रखे तो काम अधूरा रहता है। इसके लिए उसको हमें पगार देनी चाहिए, मगर ये पगार कोई उसकी सेवा का बदला नहीं है, ये तो बख्शीश है। सेवा का बदला तो मौला उसको देगा, रूहानियत हिसाब से भी देगा, दुनिया के हिसाब से देगा। तो मैं आपको ये अर्ज करता था कि हमारा ऐसा मजहब है कि हम लोग हजर इमाम के घर की सेवा करते हैं, टाइम का भोग भी देते हैं, किसी के पैसे भी खर्च करते हैं, और फिर भी पगार नहीं लेते।
लेकिन जो आदमी पगार नहीं लेते उनके दिल में ये फख्र नहीं होना चाहिए, मैं तो ऑनररी सेवा करता हूँ, मैं थोड़ा कुछ पगारदार हूँ। अरे तू पगारदार नहीं तो तेरे को ये रोजी कौन देता है, तेरी दुकान कौन चलाता है, ये नौकरी के जो पैसे आते हैं कहाँ से आते हैं, ये तुम खाना खाते हो या तुम्हें कौन देता है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में हमारे डेप्यूटी चेयरमैन थे इस्माइली एसोसिएशन के, वो जमाने के अंदर रिक्रिएशन क्लब थी, इस्माइली एसोसिएशन नाम हुआ 1940 के अंदर, 40 के पहले उसका नाम रिक्रिएशन क्लब इंस्टीट्यूट था। एक हमारे डेप्यूटी चेयरमैन थे मकलाई के हाथ के नीचे, मकलाई हमारे प्रेसिडेंट थे, इनको मिशनरियों के साथ जरा बनावट नहीं थी। मिशनरी लोग आवे इधर आपस में बैठे चर्चा वगैरह करे, मिशनरी आवे 10 बजे रिक्रिएशन क्लब में, 10 बजे आवे इधर उधर घूमे अपनी ड्यूटी का हिसाब करें, गप्पे मारे 12 बजे चले जावे। ये आदमी को गुलाम हुसैन सोम जी बंदाली सोम जी, गुलाम हुसैन बंदाली सोम जी, हम इसको सोम जी बापा कहते थे, इसको अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन मिशनरियों की मेहमानी थी, सब ऑफिसर थे, सब मिशनरी थे, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शख कहते हैं खुदावन मुझे एक बात कहनी है। क्या है गुलू, क्या है? तो खुदावन मिशनरी लोग बड़ी बड़ी पगार खाते हैं, अठवाड़िए में आधा घंटा आवाज करते हैं, मुफ्त की खिचड़ी खाते हैं, खुदावन हंस पड़े। इमाम सुल्तान मोहम्मद शख हंस पड़े, गुलू देखो माँ बाप ने ऐसा मुट्ठी बंद करके बताई, मुट्ठी बंद करके उसके सामने बताई, देखो गुलू हमारा मजहब जो था ना वो छुपा हुआ था, हमारा मिशनरियों ने उसको जाहिर किया है, ओपन किया है। चुप हो गया। कहे तो मैंने ये बात की, इसलिए कि जो अभी मैं आपको सुनाता हूं, देखो गुलू किसी को हम एक हिस्से से देता है, किसी को हम एक हिस्से से देता है, और रोजी हम देते हैं, तुमको हम एक हिस्से से देते हैं, मिशनरियों को एक हिस्से से देते हैं। क्या मतलब इसका? कि तुम जो दुकानदारी करते हो, व्यापार करते हो, वो रिजक भी मैं तुम्हें देता हूं, वो भी मेरी पगार है। अभी मुखी साहब ने एक फरमान पढ़ा, वो फरमान बैतुल ख्याल का है। मैं बैठा था जब यह फरमान इमाम ने बॉम्बे के खड़क जमा खाने में किया, मौलाना हाजिर इमाम फरमाया तुम्हारे अंदर कोई ऐसा नहीं समझे कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत होशियार हूं, ये जो कुछ भी मैंने बनाया है अपनी होशियारी और बुद्धि से बनाया है। मैं अपने एक दाखला दिया, मिसाल दी, फॉर एग्जाम्पल मबा फरमाया एक आदमी है उसका नाम जाफर है, वो जाफर 40 बरस की मेहनत के बाद ऊंचा आया, उसकी दुकान है, उसका कारखाना है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, मोटर है, इज्जत आबरू है। अब उसके मन में ये है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत और होशियारी से पैदा किया। मौला फरमाया नहीं, उसकी होशियारी काम नहीं आई, खुदा ने कोई कारण से उसके ऊपर रहमत की, खुदा की रहमत की वजह से उसको ये सूझा, खुदा की रहमत की वजह से उसका ये कारखाना, ये बैंक बैलेंस, ये दुकान, ये बंगला, ये मोटर, ये नामना, ये सब खुदा की रहमत की वजह से हुआ। वो लोग के जो ऑनररी सेवा करते हैं, वो लोग जो दुकान करते हैं और फिर अपना टाइम का भोग जमात खाने के अंदर या काउंसिल के अंदर या जमात की खातिर देते हैं, वो भी हाजिर इमाम के पगारदार नौकर हैं। उनको ये कारसाजी में से पैसा मौला नहीं देता जैसा जमात भाइयों को देता है, टीचरों को देता है, मिशनरियों को देता है, मगर उनको मौला दूसरे तरीके से देता है, मगर वो भी पगारदार है, हाजिर इमाम के नौकर हैं। हमारे इस्माइली मजहब के अंदर जो कुछ भी हम कमानी करते हैं वो हमारी नहीं है,
मैंने बड़े जमात खाने के अंदर गए महीने जो दसवंत के विषय पे वाज की थी उसके अंदर एक ये नुक्ता था, मानो कि किसी आदमी ने दुकानदारी वगैरह की और उसको 10,000 शिलिंग का नफा हुआ, तो 10,000 शिलिंग उसके नहीं है, 10,000 शिलिंग तो मौला के हैं। कारण कि हमने तो बयत करते वक्त हजर इमाम को तन मन धन सब दे दिया, हमारा कुछ नहीं, ये बदन के जो सूट पहना हुआ है ना वो भी मेरा नहीं, उसकी मालिकी भी मौला की है। इस्माइली मजहब में अगर ये बात समझ आ जाए कि मेरी हड्डियां, मेरा गोश्त, मेरा लहू, मेरा मुर्दा, मेरा बदन, मेरे कपड़े, मेरे दागीने, मेरा घर बार, मेरी मोटर बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी दुकान, जो कुछ भी है सब मौला का है। और हकीकत में ऐसा ही है, क्योंकि अगर हमारा होता तो कब्र में भी ये सब चीजें साथ ले जाते, लेकिन कब्र में तो जाते हैं नंगे जाते हैं, सूट भी उतार लेते हैं, गले के अंदर हार चैन पहना हुए वो भी निकाल लेते हैं, हाथ की अंगूठी निकाल लेते हैं, कपड़े में लपेट के दफन कर दिया। तुम्हारा क्या, बैंक भी इधर रह गया, बंगला भी रह गया, दुकान भी रह गई, सब कुछ रह गया। इसीलिए हमको इस्माइली मजहब का ये नुक्ता समझना चाहिए, दीनदारों, हमारा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो इमाम का है, वही उसका मालिक है, जिसको हमने तन मन धन सब कुछ दे दिया। जब ये दृष्टि आदमी को आ जाती है ना, फिर जब वो इमाम के घर की ये समझ आने के बाद जब वो इमाम के घर की सेवा करता है तो उस सेवा का दर्जा इबादत, बैतुल ख्याल की इबादत के बराबर है, बैतुल ख्याल की इबादत के बराबर है। बल्कि मैं आपको इतने तलक कह सकता हूं, मैं मिशनरी हूं, इमामों के हुजूर में बैठा हूं, इमाम फरमाया बंदगी की जो खामी रह जाती है, हम बंदगी में पूरे नहीं, बंदगी के अंदर जो खड्डे बह रह जाते हैं, खामी रह जाती है, अधूरापन रह जाता है, बंदगी में उनप रह जाती है, सेवा करने से वो खड्डे भरते हैं, वो उनप पूरी होती है। सेवा तो हमारे लिए इतनी ही जरूरी है जितनी के बैतुल ख्याल की इबादत जरूरी है, सेवा हमारे ऊपर इतनी ही जरूरी है जितनी के हम दसवंत देना जरूरी समझते हैं। 10,000 शिलिंग की कमानी हुई, ये सब का सब मौला का है, लेकिन मौला ने क्या किया, उसके अंदर से 1,250 शिलिंग निकाल दिया, यानी 1/8 आठवां भाग लेके 7 भाग हमको बख्शीश दे दिए कि ये तुम 9,500 शिलिंग मैं तुम्हें बख्शीश देता। हमारा मजहब ये है, दसवन दे के बाकी का माल अपना समझो ये भी नहीं, तो बख्शीश दी, तुमने जो मेहनत की है वो इमाम के घर की इबादत की। इसीलिए इमाम फरमाया मोमन अपना बिजनेस करता है तो वो भी मेरी बंदगी करता है, मोमन खाना खाता है तो मेरी बंदगी करता है, क्योंकि ये शरीर मौला का है, तो शरीर को खिताने के लिए खाना चाहिए ना। कभी ऐसा मानो मौलाना हाजर इमाम मेरे को एक घोड़ा दे रहे, अबू अली ये मेरा घोड़ा है इसका ध्यान रखना, भले खुदा हूं तो मैं वो घोड़े को खिलाऊंगा पिलाऊंगा ध्यान रखूंगा, ऐसा ना होगा कि ये दुबला हो जाए तो मेरा मौला मेरे से जवाब मांगे। बिल्कुल इसी तरह से ये शरीर मौला का है, इस शरीर का ऐसा ही ध्यान रखो, और वो ध्यान रखने में भी इबादत है। मौला फरमाया मेरे मोमन का हर काम इबादत में आता है, हर काम, बीवी बच्चों को पालता है वो इबादत है, क्योंकि बीवी बच्चे भी खुदा ने उसको दिए। एक आदमी अपनी नामना पैदा करता है या खुदा की बख्शीश से उसने पैदा की, तो अपनी नामना का भी उसको ये ख्याल होना चाहिए कि मुझे इज्जत मेरे मौला ने दी तो मैं ऐसा काम ना करूं कि मेरी इज्जत खराब हो जाए, मैं बेआबरू हो जाऊं, मेरा नाम बिगड़े, मोमन का काम नहीं। अपनी आबरू को संभालना भी इबादत है। तो दीनदारों ये सारी चीजें जो है इमाम की इबादत और सेवा में आती हैं। वो वॉलंटियर के जो बच्चे हैं, जवान हैं, बुढ़ी उम्र के वॉलंटियर तो बेचारे नहीं होते, फिर भी बूढ़े आदमी भी कुछ ना कुछ काम करते हैं,
कोई दुआ पढ़ाता है, कोई तस्बीह निकालता है, कोई गिनान बोलता है, ये भी खिदमत है। लेकिन इन बच्चों को जो उनकी प्रजा है, उनको छोटी उम्र से 12-14 बरस की उम्र से वो जब कभी वॉलंटियर बन जाते हैं, बहुत नसीबदार हैं कि छोटी उम्र से इमाम के घर की उनको खिदमत मिलती है। आज वॉलंटियर बना, कल कोई ऑफिसर बन गया, आहिस्ता आहिस्ता मुखी कमड़िया बना, क्योंकि यही बच्चे बड़े होके अपनी कौम के लीडर्स हो जाएंगे। ये जो ऊपर की क्लास के अंदर ये लाइन में बैठे हुए हैं, इनको पूछो, खुद मैंने जमात खाने की सड़क साफ करता था हर रोज। अमृतसर के अंदर हम जमात खाने में भंगी को नहीं आने देते थे, जमात खाने की संडास नीचे थी, मैं खुद अपने हाथ से संडास रोज 2-1.5 घंटा पहले आके जमात खाने की संडास साफ करता था, गू उठा के बाहर फेंकता था। इमाम के घर की खिदमत करना तो बहुत बड़ी आला दर्जे की चीज है, और ऐसा नहीं समझना कि एक ये छोटी सेवा है, मेरे को तो कोई बड़ी सेवा चाहिए। छोटी सेवा के बड़ी सेवा। मैं आपको एक छोटा सी, एक मन को लग जावे, एक ऐसा वाक्य हमारी हिस्ट्री के अंदर मैं वाजों में बोल चुका हूं, लेकिन रिपीट करता हूं। आज से 100 बरस पहले का वक्त है, मौलाना अली शाह मांगा के जमाने का वाक्य है। मौलाना अली शाह की इमामत थी, हसन अली शाह माँ बाप ने वजीर इस्माइल गांधी जूनागढ़ वाले को वजीर बनाया था, मौला का भी वजीर था और नवाब जूनागढ़ वाले का फिनांस मिनिस्टर था, उसका भी वो वजीर था, दोनों जगह वजारत था, और उसको मौला ने बहुत सत्ता दी। यक्षे कठियावाड़ का वो आदमी सत्ताधारी था इमाम की तरफ से, वो जमाने में काउंसिले नहीं थी, और तमाम ऑफिसरों की, मुखी कमड़िया की वगैरह की अपॉइंटमेंट वजीर इस्माइल करे। ऐसा समझो कि पीर नहीं, लेकिन पीर से सेकंड दर्जे का, जिसको हमारे इस्माइली मजहब के इतिहास और लिटरेचर में बाब कहते हैं, BAB बाब, अरबी जबान में बाब का मतलब दरवाजा, बाब इतने दरवाजा, और ये बाब हमारे मजहब की, हमारी हिस्ट्री में एक टाइटल था। एक ही आदमी होता था जो पीर से सेकंड ग्रेड पे हो गए, उसको मौला बाब का दर्जा देते थे, उसको कहते थे दाईउल कबीर। हसन बिन सभा बाब थे, नासर खुसरो बाब थे, अब्दुल मलिक अत्ताश बाब थे। तो ये बाब का जो दर्जा है, इसके ऊपर सिर्फ पीर होता है और पीर के ऊपर इमाम होता है, तो इसको ये दर्जा दिया हुआ था। एक दिन कोई चांद रात का वाक़ा, बड़ा दिन था, जब्बा जरी का अपना जैसा जब्बा है, सुनहरी पगड़ी जब्बा मेडल लगाए हुए, वजीर इस्माइल कुछ 1.5 घंटा पहले जमात खाने में आए। आज कभी आप में से कोई इंडिया जावे तो खोजावाड़ के अंदर जूनागढ़ का जमात खाना आज भी खड़ा है, और वही जमात खाना है जो 100 बरस पहले था। तो जमात खाना आप देखो, ये इधर अपना कड़िया का तो जमात खाना है, कड़िया को के जमात खाने के पिछली साइड में संदास है, और संदास के पीछे, पखानों के पीछे छोटा सा रास्ता है, ऐसा उधर पिछली साइड में छोटी सी गली। 1-1.5 घंटा पहले आए जमात से, अभी तक जमात में कोई आया नहीं था। वजीर इस्माइल ने ऐसा जोर जोर से बात करते हुए किसी औरत की बात सुनी, ध्यान से नजदीक जाके सुना तो वो गालियां बलती थी। वजीर इस्माइल को थोड़ी इंक्विजिटिवनेस हुई कि भी क्या बात है, ऐसा नजदीक आके देखा तो जमात भाई की घर वाली गालियां दे रही थी। किसको गालियां देती थी? उन औरतों को के जिनके बच्चे इधर मूत पेशाब कर देते थे, छोटे बच्चे हैं गली के अंदर, वो गली अपने इस्माइल जमात खाने की मालकी थी, तो इधर पीछे बच्चों को बिठा दे रहे, कई बच्चे गुम कर दे रहे। तो ये जमात बहन यानी जमात भाई की घर वाली गालियां दे रही थी, मुयों हिदा चंतियों होते जो बच्चे के हिदा हंगंतियों अच्छा के साफ करना छपे, तो उसको पता नहीं कि वजीर इस्माइल उसको बापू कहते थे। इधर खड़े सुन रहे हैं, कोई नहीं था और अच्छे जमात खाने के कंपाउंड में
वजीर ने जब सुना और गालियां बख्शी गई और बड़ी बड़ी गालियां देनी शुरू की तो उसका नाम लेके बोला, किन के तू गारों कटे थी, चमक के छेड़ा निकाला, बापू अपनी बाइयां आती हैं अपने बच्चों को इधर वो बिठा देती हैं तो तुम उनको गालियां दे रही हो, चुप हुई। छोटी सी कढ़ाई थी, झाड़ू था, उसके हाथ से वजीर इस्माइल गांधी ने, जिसको बाद में पीर का दर्जा दिया आलीशान मां बाप ने, सुनहरी पगड़ी पहनी है, जरी का जज्बा पहना है, दो मेडल लगाए हुए हैं हसन अली शाह मां बाप के दिए हुए सोने के, क्योंकि उस दिन कोई खुशहाली का दिन था, उसके हाथ से छीन लिए और वजीर इस्माइल ने अपने जब्बा टांगों के नीचे ऐसा बंद करके वो भू उठाना शुरू किया। जमात बहन कहती, बापू हे बापू, बापू मुझे माफ करो, ही करो करो था आई बुला करो था, छोड़ दे। सारी गली वजीर इस्माइल ने साफ की, उसको कोई शर्म ना आई कि मैं वजीर हूँ, उसको कोई शर्म ना आई कि गरी का जब्बा पहना है, उसको कोई शर्म ना आई कि मैंने पगड़ी पहनी है, उसको कोई शर्म ना आई कि मेरा दर्जा बाप जितना बड़ा है। मौला के घर का गूं उठाना भी इमाम के घर की ऐसी ही बड़ी सेवा है कि जैसी कोई और सेवा हो सकती है। जिंदारो, इमाम के घर की कोई छोटी सेवा छोटी चीज नहीं, छोटी से छोटी सेवा भी जिसको हम नजीरी सेवा कहते हैं, अभी इससे नीच सेवा कौन सी हो सकती है, लेकिन ये भी नीच नहीं है। इमाम के मोमिनों का वो कहता है, वजीर इस्माइल कहता है, इमाम के मोमिनों का गूं उठाना तो नसीबदारों को हो गए है ना। जिनान में, जिनान के अंदर के संत के चरण की जो रज है वो सुरी नर यही छे। जिरवाना संत चरण रज सुरी नर यही छे। इसके अंदर खुदा ताला संत के चरण की जो रज है उसके अंदर भी खुदा बैठा है, ये नसीबदारी की रज। वो तमाम सेवक मिशनरी होवे, मुखी होवे, कामड़िया होवे, प्रेसिडेंट होवे, वॉलंटियर होवे, जमात भाई होवे, कोई भी होवे, इमाम के हम गुलाम हैं और हमारी हर सेवा इमाम जमान के प्यार और मोहब्बत में होनी चाहिए। पैसे खर्चो, अपनी जान खर्चो, अपना टाइम खर्चो, अपने मन की अभिलाषा उसके अंदर डालो। अगर इस तरीके के साथ आप सेवा भी करो और फिर परोड़िए के अंदर बैठक करो, देखो दीनदारों आपको चमत्कार कैसे मिलेंगे। लेकिन दोनों चीजें चाहिए। सेवा करके आप ये नहीं समझ लेना कि बैतुल ख्याल की बंदगी खुद ब खुद चढ़ती जाएगी, वो भी नहीं, दोनों काम करो। अगर सेवा करोगे बंदगी नहीं करोगे तो सूखा सूखा झाड़ होएगा, उसको फल नहीं लगेगा, और अगर बंदगी करोगे और सेवा नहीं करोगे तो मगरूरी आ जाएगी। कंस पारू को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब एक खत लिखा उसके ये शब्द कहता हूँ, बंदगी इबादत भी करो, मौला के घर की सेवा भी करो, और सेवा मोहब्बत से करो, अपने आप को छोटा समझ के, नम्र बन के, काइंड और जेंटल बन के, हम्बल और ह्यूमिलिएशन के अंदर रह के इमाम के घर की सेवा करो। इमाम की सेवा करने के अंदर कभी किसी ने गाली भी निकाली तो वो गाली तुम्हारे लिए मेडल है। इमाम की सेवा करते वक्त किसी ने तुम्हें तमाचा मार दिया तो तुम्हारे गले में फूलों का हार डाला, ऐसा समझना। इमाम के घर की सेवा के अंदर दुख बहुत आते हैं, क्योंकि सेवा करने के अंदर तो तकलीफें पहले आई, फल तो बाद में मिलते हैं। मोहब्बत के साथ सेवा करो, खुशी के साथ सेवा करो, हर वक्त तत्पर रहो, कभी किसी सेवा से इनकार मत करो, सिवा के सख्त मजबूरी हो जाए, बल्कि इमाम के हुजूर में हर वक्त दुआ मांगते रहो, या मौला अपने घर की सेवा कराते रहना। मैं वाज बंद करूं, एक कच्छी की बात सुनाऊं आपको। इतनी बड़ी पागड़ी, दाढ़ी रखी हुई, भरा हुआ जिस्म, 85 बरस की उम्र, कच्छ
کا ایک مکھی عملدار ساری زندگی امام کے گھر کی خدمت کے اندر رہا، مومن شخص، منہ پہ نور چمکتا تھا، مہمانی رکھی، نگاہ نیچی تھی، سر جھکا ہوا تھا، کہتے خداوند، اس کو اردو ہندی نہیں آتی تھی، کہتے خداوند مکھیا تیری گال پوچھ نہیں آئے، کیا ہے وزیر، کیا ہے خداوند، تو راجی تھیے تو پورو دیے؟ بولا فرمایا ہم اپنی خدمت دے گئے، اس کو سیوا دے گئے، خداوند تو جیجو راجی تھیے تو پورو تھیے؟ خداوند بولے ہم اس کو دوسری بڑی سیوا دے گئے، آمین بولا، خداوند جی وہ تو بہو جی راجی تھیے، بہو راجی تھیے تو پورو دیے؟ ہم اس کو بڑی سیوا دے گئے، بڑی سیوا دے گئے۔ تین دفعہ اس نے اپنا راضی پاس ظاہر کرنے کے لیے کیا دیا، سیوا، امام کے گھر کی سیوا ملے تو سمجھو مولا راضی ہوا، یہ اس کی رضائی ہے، یہ راضی پائے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو پھر صدر دن فرماتے ہیں شاہجہ دیداری سیوک جھگا چکے، جس مومنے کے کامیابی سفر کا جس اس کو ملے گا جنہوں نے یہ بھید سمجھ لیا کہ میں سیوک ہوں، میں غلام ہوں، میں بڑا نہیں ہوں، میں وارث نہیں ہوں، میں فلانا نہیں ہوں، امام کے گھر کا غلام ہوں۔ یہ بھید اگر سمجھ لیا تو سیوک کو مولا کے اس پیر نے دیداری کا لقب دیا ہے، یعنی اس کو مولا اپنا دیدار دے گا۔ مولانا حضرت امام ہر ایک اسماعیلی بچے کو زندگی بھر اپنی کوئی نہ کوئی سیوا کے اندر رکھے، نیک امید پوری کرے، دسواں سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بناوے، دین دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے۔ مولانا حضر امام آپ کی سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ہر آفت بلا بخے دور کرے، دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، سکھی آباد کرے، زہر باطن کے اندر آپ کو سکھ دے رہے، شانتی دے رہے، سکون دے رہے، آپ کو خوشی دے رہے۔ مولانا حضر امام آپ کو اپنا نورانی دیدار عنایت کرے، مولانا حضر امام ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں، اپنی شکر چھایا میں رکھے۔ ہے جی کروں سیوا تمہاری سریو قائم سامی تم نے سروے بدھ آوے یا شان سوئی وچن مارا اے مکھ ماتھی کاگو جو صاحب تجھے بھا آوے۔ Hey.